दूसरा रोग है हीमोफीलिया के बाद लिंग से अलग रोग है, ये भी वर्णांधता बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें व्यक्ति लाल रंग और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, लाल रंग और हरे रंग ये दोनों कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। घातक रोग नहीं है हीमोफीलिया जैसे, जैसे हीमोफीलिया में जान जाने का डर है ना वैसे आँख वाला है, जान जाने का डर नहीं है। ठीक है, अधिकतर केस कलर ब्लाइंडनेस का दिखेगा, तुम में से किसी ना किसी को ये कलर ब्लाइंडनेस वाला प्रॉब्लम होगा, मेरे को भी है। ठीक है, मेरे को भी है लेकिन हल्का सा है, ठीक है उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत लोगों को रहेगा और अभी पता भी चल जाएगा कितने लोगों को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है कितने लोगों को नहीं है। ठीक है, बताते हैं, ध्यान सुनो, वर्णांधता रोग क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ मैं, ठीक है नहीं तुम लोग डिस्टर्ब होते रहोगे बार बार, ठीक है ना, पिज्जा वगैरह है बोल रहे हो, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, इसाइरा चार्ट बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को जांचते हैं इससे। ठीक है ना, ध्यान समझना क्या होता है, देखो वर्णांधता रोग क्या है, इस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, इस रोग को हम लोग बोलते हैं कलर विजन डिफिशियंसी CVD, कलर विजन डिफिशियंसी CVD भी बोलते हैं। ठीक है, 250 मिलियन व्यक्ति, 250 मिलियन समझो, ठीक है ना, 250 मिलियन व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, नर में मादा की अपेक्षा अधिक वर्णांधता पाया जाता है, चूंकि मैं एक नर हूँ इसका मेरे में भी जी ये रोग पाया गया है। ठीक है, ठीक है चलो ध्यान दो, वर्णांधता नहीं कॉमन सा चीज़ है, वो हो जाता है। ठीक है, तुमको खुद पता चलेगा, तुम खुद अपना टेस्ट करोगे तो हाँ अरे मेरे भी कलर ब्लाइंडनेस है, तुमको पता चलेगा जब तुम हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल में ही जाना, चेक करेंगे। ठीक है, चलो देखो वर्णांधता क्यों होता है, देखो हम लोग ध्यान समझना, जब हम लोग पढ़ाते हैं ना आई का स्ट्रक्चर, तो आई के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये रेटिना वाला भाग है ना, रेटिना में दो कोशिका होता है, एक होता है शंकु, नाम सुने होंगे, और एक होता है क्या, सलाका। ठीक है, शंकु और सलाका, शंकु जिसको कोन सेल बोलते हैं और सलाका जिसको हम लोग रॉड सेल बोलते हैं। ठीक है ना, सलाका के कारण आदमी रात में देख पाता है, दिन रात वाला जो देख पाते हैं ना विजन रहता है वो किसके कारण होता है, ये सलाका के कारण। अच्छा, शंकु के कारण हम लोग कलर देख पाते हैं, क्या कलर, ठीक है ना, अलग अलग कलर में विभेद कर पाते हैं किसके कारण हम लोग, शंकु के कारण, शंकु और सलाका। ठीक है ना, सलाका रॉड, इसके कारण नाइट विजन वाला कहानी रहता है। ठीक है, वो तुम लोग एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि क्या कारण है, एकदम घने धूप से जब कोई कमरे में हम प्रवेश करें तो हमको कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा वाला क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, तो ये सम स्थापन नहीं हो पाया रहता, इस कारण होता है, थोड़ा देर बाद हमको सब दिखाई देने लग जाता है। दूसरा कलर वाला कहानी है, कलर दिखाई नहीं देता ये वाला, तो ये कोन के कारण होता है, अलग अलग कलर को हम लोग आँखों में ये जो कोन सेल रहता है ना उसके कारण देख पाते हैं। अब असल में दिक्कत क्या है, ये जो कोन सेल है ना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है, रंगों के विभेदन में कोन की भूमिका होती है। शंकु कोशिका 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3, और वो अलग अलग कलर को क्या करता है, यानी कि एक्सेप्ट करता है, अलग अलग कलर के लिए उसका सेंसिटिविटी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, रेटिना की शंकु कोशिका में जब कलर के लिए जो संवेदनशील वर्णक है ना, ठीक है, उसका यदि क्या हो जाए, कमी हो जाए। ठीक है, जैसे कि ध्यान समझना, ये जो शंकु रहता है, शंकु कोशिका, ठीक है, शंकु शेप का रहता है, इस टाइप का शेप का रहता है, ठीक है ना, तो ये जो कोशिका रहता है इसमें 3 अलग अलग कलर के लिए क्या पाया जाता है, तुम्हारा संवेदनशीलता पाया जाता है, एक हरा रंग के लिए, एक नीला रंग के लिए और एक लाल रंग के लिए। हरा रंग के लिए जो संवेदनशील कोशिका रहता है, या क्या बोलना चाहिए, वर्णक होता है हरा रंग के लिए, उस वर्णक का नाम है हरा रंग के लिए क्लोरोलैब, क्या नाम है, क्लोरोलैब, क्लोरोलैब हरा रंग के लिए, ठीक है, क्लोरो क्लोरोफिल हरा रंग, ऐसे करके याद रख सकते हो। दूसरा है साइनोलैब, साइनो वर्ड यूज़ होता है किसके लिए, नीला रंग के लिए, बार बार बताया हूँ मैं तुम लोगों को, साइनोवर्ड यूज होता है किसके लिए, नीला रंग के लिए। अच्छा, इरिथ्रोलैब, ठीक है, लाल कलर, ठीक है, इरिथ्रोसाइट, RBC को बोलते हैं ना, इरिथ्रोसाइट, ठीक है, तो लाल रंग का रहता है, तो ऐसे करके याद रखना इरिथ्रोलैब, क्या, इरिथ्रोलैब। ठीक है, तो ये तीनों वर्णक का मान लो कमी हो गया किसमें, शंकु कोशिका में, तो उसके कारण हमको कौन सा रोग हो जाएगा, वर्णांधता, क्या हो जाएगा, वर्णांधता। वर्णांधता भी 3 प्रकार का होता है, प्रकार नहीं पूछता है लेकिन थोड़ा सा जान लो, ठीक है, इसका वंशगत ही पूछेगा। प्रकार 3 प्रकार का होता है, एक है प्रोटोनोपिया, दूसरा ड्यूटेरोनोपिया, तीसरा ट्राइटेनोपिया। ठीक है, प्रोटोनोपिया लाल रंग के प्रति संवेदनशीलता कम रहेगा, ड्यूटेरोनोपिया हरे रंग के प्रति, और ट्राइटेनोपिया नीला रंग के लिए, मतलब लाल रंग को नहीं देख पाएगा तो प्रोटोनोपिया है बोलेंगे, समझ रहे हो ना, हरे रंग को नहीं देख पाएगा तो ड्यूटेरोनोपिया है, ट्राइटेनोपिया कैसे जानेंगे, नीले रंग के प्रकाश को नहीं देख पाएगा, क्लियर है। अच्छा, ये भी एक्स सहलग्न है, कौन सा है, एक्स सहलग्न, ठीक है, जैसे एक्स सहलग्न कौन सा था, हीमोफीलिया था ना, सेम टू सेम ये भी कैसा रहेगा, एक्स सहलग्न। चलो, इसको किसे कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, इसको देखो एक्स सी है, ऐसा एक्स सी एक्स है, तो क्या है, वाहक मादा है, ठीक है ना, वाहक मादा है,
ठीक है, यदि एक्स सी ऐसा है मतलब रोगी, ठीक है ना, एक्स वाई है तो सामान्य नर, सामान्य नर, और एक्स सी वाई ये है तो रोगी नर। क्लियर है, सेम टू सेम वही कहानी है पूरा, क्लियर है। कलर ब्लाइंडनेस का कारण यहाँ पास ऐसा ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट के रूप में सी को डिनोट किया, उसमें क्या करते थे एच, क्लियर है। अच्छा ये इसाइरा चार्ट बनाया हूँ, देखो ये जो चार्ट है ना इसको देखकर बताओ, हरा कलर है, मान लो इसमें क्या लिखा है, पाँच। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था उन लोग ये जान लो कि हाँ तुम लोग हरा रंग को नहीं देख पा रहे हो, नहीं नहीं वही कलर नहीं दिख पाता है, यानी कि देखो तुमको ना डॉक्टर एकदम अचानक से देगा फट से क्या है करके बोलोगे, और तुम पाँच मिनट तक सोच रहे हो ये क्या बूंदी 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 मैं वैसे ही सोचा था, मैं नहीं बता पाया था, ठीक है। तो और दूसरा देखो ऐसे पाँच है करके जान डाले ना, मतलब हाँ तुमको नहीं है ये वाला कलर डिफिशियंसी, ऐसा यानी कि एक नॉर्मल टेस्ट है भाई ये, ऐसा है। अच्छा यहाँ पास देखो ये सात लिखा है, ये तेरह लिखा है, ये आठ लिखा है, अठारह लिखा है, बारह है क्या, हाँ बारह है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं, पहचान लिए ना। हाँ तो डॉक्टर वहाँ पास चेक करते रहते हैं हाँ क्या लिखा है कैसा, यानी सही बता रहे कि नहीं, ठीक है। वो कलर है ना ये बिंदु 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 है, ये देख कौन सा कलर में दिखे हैं, हरा हरा है ना, हरा है ये भी हरा कलर का, ये लाल कलर का है, लाल कलर लाल कलर, अरे ये जो लिखा है उसको बोल रहा हूँ मैं, हाँ तुम लोग जो बोल रहे हो वो है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ठीक है। तो कलर विजन चार्ट बोलते हैं जिसको हम लोग देख रहे थे, इसाइरा चार्ट भी बोलते हैं उसी को, ठीक है, इसाइरा चार्ट। अब ध्यान से समझना, अलग अलग देखो, एक तो तरीका ये है कि जैसे मैं बोला सामान्य नर, सामान्य नर और वाहक, ठीक है, वाहक क्या मादा, ठीक है ना, इनके बीच क्रॉस हो तो उनका लड़का कैसा होगा वाला, सामान्य नर एक्स वाई, वाहक एक्स सी एक्स, ऐसा है। अब एक ये वाला कचरा वाला काम कर सकते हो, ऐसा कंफ्यूज ज़्यादा होते उसमें, या फिर तुम लोग ऐसे भी तो कर सकते हो यार, ये देख चेकर बोर्ड, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है मेरे को। आप ध्यान दो एक्स वाई नर को हमेशा कहाँ रखना है, ऊपर, ठीक है, तो ये एक्स और ये वाई और इसको एक्स सी एक्स हो गया। अब ये करो एक्स एक्स ये हो गया एक्स सी वाई, फिर ये वाला एक्स और एक्स, ये एक्स और वाई, क्लियर है। तो यहाँ पास देख लो भाई, ठीक है, ये 25% 25% 25% और ये भी 25% आ गया कि नहीं, क्लियर कट है ये, यहाँ तक समझ आया। अच्छा उसके बाद देखो, ठीक है, सामान्य नर और वाहक मादा वाला कहानी हो गया, वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री, चलो बनाओ वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री, वर्णांध पुरुष है यानी एक्स सी वाई और क्या है सामान्य स्त्री मतलब एक्स एक्स, ठीक है। चलो ये पहला केस, दूसरा केस चलो, ठीक है, वाहक नहीं रोगी नर है और ये वर्णांध क्या है मादा है, ये दोनों को सॉल्व करो। मन रहा है एकदम मस्त है टाइम पास, ठीक है। देखो एक्स सी वाई और ये एक्स और ये एक्स, एक्स सी एक्स, ठीक है, एक्स वाई एक्स सी एक्स एक्स वाई, 50-50% किसका किसका बना, सबका, किसको दिक्कत जा रहा है अभी भी। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, चलो ध्यान दो एक्स सी वाई और ये एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी वाई एक्स सी एक्स सी एक्स सी वाई, मतलब पूरी तरीका से वर्णांध क्या है, ये महिला है, वर्णांध मादा है और ये क्या है वर्णांध पुरुष, 50-50%, क्लियर है ना, समझ आ रहा है। ऐसा वाला केस बना लोगे, अच्छा हीमोफीलिया का भी तो ऐसी करके बना सकते थे, ठीक है, तो वो ऐसा लंबा चौड़ा क्रॉस वाला बनाते हो ना, देखो टाइम के हिसाब से बनाना तुम लोग, ठीक है। यदि तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा ना, ध्यान से सुनो, टाइम यदि कम रहेगा तब ऐसा वाला करना और एक बार आंसर चेक कर लेना ऐसा बना करके, तब ऐसा क्रॉस वाला बनाना। वो वाला जब बनाओगे ना तो क्या है बुक वगैरह में दिया रहता है तो उसके हिसाब से ना
थोड़ा नंबर अच्छा खासा लगता है। हाँ नंबर दे देते हैं फट से करके। चेकरबोर्ड भी आसान है, यानी दोनों आंसर तो सही ही ला रहे हैं ना, तो दोनों कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना ये रहेगा कि ज़्यादा वो क्रॉस वाला बनाना, ठीक है ना, इसको यानी आंसर चेक करने के लिए यूज़ करना कि मेरा सही बना है कि नहीं, ठीक है ना। चल आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। और कर सकते हो क्या, वर्णांध पुरुष और वाहक स्त्री, चलो बनाओ। वर्णांध पुरुष मतलब एक्स सी वाई और वाहक स्त्री एक्स सी एक्स, ये एक केस हो गया, और एक्स वाई और एक्स सी एक्स, ये दोनों केस करो तुरंत तुरंत तुरंत, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पार्ट। बन गया, ठीक है, ऐसी करना एक्स सी एक्स सी एक्स सी वाई एक्स सी एक्स और एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो ये 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, चार प्रकार का आया स्थिति, क्लियर है। यहाँ पास कितने प्रकार का, एक्स सी एक्स एक्स सी वाई एक्स एक्स और एक्स और वाई, क्लियर है। यानी 50% नर और मादा, और क्या बोलते हैं वाहक 50% नर और मादा, यानी 25-25 वाहक ही तो है ना, ऐसे करके भी बता सकते हो, क्लियर है।